हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल ऑडिट के बारे में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि मनरेगा का सोशल ऑडिट करने में विफल रहने पर धनराशि पर रोक सहित कार्रवाई की जा सकती है। वस्तु स्थिति। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में नियोजित अंकेक्षण का केवल 14.29% पूरा किया गया है। मनरेगा अधिनियम सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई पिछले वर्ष में राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धनराशि की हकदार है। इस ऑडिट में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता जांच, मजदूरी में वित्तीय हेरा फेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक विचलन की जाँच शामिल होती है। संबंधित मुद्दे। लेखा परीक्षक को भुगतान करने में असमर्थन। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा केंद्र से कई बार मांग किए जाने के बाद राशि जमा की जाती है, जिसकी वजह से विभाग अपने लेखा परीक्षक को एक वर्ष के अधिक तक भुगतान करने में असमर्थन रहता है। पूरी राशि का भुगतान नहीं। निधि आने पर भी केंद्र सरकार द्वारा शायद ही कभी पूरी राशि का भुगतान किया जाता है। बिहार सोशल ऑडिट यूनिट को अप्रैल 2020 से 2 साल से अधिक वर्ष से कोई धनराशि नहीं मिली है। संबंधित सरकारों से ऋण। झारखंड, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को अपने संचालन को बनाए रखने के लिए अपनी संबंधित राज्य सरकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में। सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत। स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का वैतनिक रोजगार प्रदान करना होगा, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके। काम करने का अधिकार। मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत काम करने का अधिकार की गारंटी प्रदान की जा सकती है। पात्रता। मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। कार्य हेतु आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के लिए किसी स्थानीय परिवार का हिस्सा होना चाहिए, अर्थात आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना चाहिए। आवेदक को स्वेच्छा से अकुशल श्रम के लिए तैयार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।